अपना राजभाई राजा के सामने यामा R15 मोस्ट एडिशन और इसके अंदर वर्क किया गया वो काफी यूनिक सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इसके अंदर विंगलेट जो कि फ्रंट में लगी है विंगलेट ये नॉर्मल विंगलेट नहीं है आपने एज यूजुअल देखी होगी सिर्फ प्लास्टिक वाली बट ये प्लास्टिक में ये होती है पूरी फाइबर के अंदर लुक चेकआउट करो कैसी डिसेंट लुक आती है ऐसे लगने के बाद क्योंकि ये इसकी प्रॉपर विंगलेट और इसके बाद आपको नीचे देखने मिलेगी इसके अंदर देख सकते हो ये इसका शॉक प्रोटेक्शन और ये इसका फॉक्स होल्डर शॉक प्रोटेक्शन से आपका यूएसजी शॉकर मडगार्ड ये होता है पूरी तरीके से ये फॉक्स होल्डर इससे आपका डिस्प्ले आपका एवीएस बेल्ट ये होती है ऐसे पर साथ में लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है क्योंकि जो इसके ग्राफिक्स है ना वो आपके दिए गए ब्लू कलर के तो भैया ने कंट्रास्ट किया वो लिया गया ब्लू एंड ब्लैक का तो लुक आप देख लो इधर से भी सेम आप देख सकते हैं इस तरफ से भी लुक काफ़ी अच्छी निकल रही लगने के बाद और साथ में इसके अंदर लगा दिए गए इसके व्हील कवर जो कि मिलते हैं आपको देख सकते हो इसे इधर व्हील कवर है जो कि प्लास्टिक वाला है हाफ वाला इसके अंदर लगा देंगे हाफ वाले लगाने का डबल एडवांटेज होता है लुक तो एनहेंस होता है साथ में बबलिंग नहीं करते अगर आप फुल वाले फुल वाले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उससे ना गाड़ी आपकी बबलिंग करती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है रिजॉल्व इसको लगाने से लुक देख लो इधर से भी और उधर से भी दोनों तरफ से आपको लुक देखने मिलेगी और नीचे आप देखने मिलेगी इसके अंदर रेडिएटर गार्ड जो कि आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील का R15 ब्रांडिंग के साथ जो रेडिएटर गार्ड है रेडिएटर लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि रेडिएटर गार्ड लगने के बाद जैसे भी आपकी गाड़ी राइड करते हैं तो पत्थर वगैरह आकर रेडिएटर के अंदर लगता है तो रेडिएटर हो जाए डैमेज और जब वो डैमेज हो जाता है तो आप समझ लो डैमेज होने के बाद आपका कूलेंट जो होगा वो लीक हो जाएगा लीक होने के बाद आपकी बाइक कहीं पर भी खड़ी हो जाएगी तो उस केस में इसके लिए इसे बचाने के लिए इसके अंदर लगा दिया जाता है रेडिएटर गार्ड और स्टेनलेस स्टील है तो आपको पता है उसे लगाने का मतलब ये हो गया कि जंग भी उसके अंदर नहीं लगेगा। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ ऊपर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर ये है इसके लीवर गार्ड जो कि मिलेंगे आपको ब्लू एंड कार्बन की मैचिंग के जिससे लुक भी नहीं है लुक के साथ साथ ना आपके लीवर भी होते हैं पूरी तरीके से सेफ और हैंड भी होते हैं पूरी तरीके से सेफ क्योंकि क्या होता है अमूमन कोई भी साइड मार रही है तो साइड मारने से क्या होता है आपके हैंड में प्रॉब्लम आती आती है मेरे खुद के में आ चुकी है मैंने नहीं लगा रखा था मेरी फिंगर के अंदर तो ये इसको रिजॉल्व कर देगा आपकी प्रॉब्लम को साथ में लीवर भी आपका सेफ हो जाएगा गाड़ी गिरती है तो और लीवर भी इसके अंदर लगा देगा सेम ब्लू एंड ब्लैक की मैचिंग का जो कि आपने देखे इसके अंदर ये होते हैं आपके एडजस्टिंग वाले जिससे आप अपनी फिंगर को एडजस्ट भी कर सकते हो और लुक भी आपके देख सकते हो लुक काफ़ी एनहेंस हुआ है लगने के इधर भी सेम देखने मिलेगा इस तरफ और साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको मोबाइल होल्डर जो कि आप देख सकते हो भी इसके अंदर लगा देगा चार्जिंग वाला देखो बोबो सिमटेक आपने बहुत सारी वेराइटीज़ देखी बट ये क्या है ये एक स्टार्टिंग रेंज होती है जो लोग जिन लोगों को ज़्यादा यूज़ नहीं है मोबाइल होल्डर का वो इसे लगा सकते हैं गारंटी वारंटी इनकी नहीं होती बट क्या होता है कि हमारा काम है लगाना जैसे कि भैया ने कहा मुझे चाहिए नॉर्मल से तो हमने नॉर्मल से दे दिया तो ये इसके अंदर लगा दिया फास्ट चार्जिंग है नॉर्मल चार्जिंग है इसके अंदर बट जैसी भैया की मर्जी ये भी इसके अंदर लगा दिया मोबाइल होल्ड करने के बाद कहीं पर भी GPS ऑन करके निकल सकते हैं किसी भी छोटी या बड़ी राइड के लिए। और अब बात करते हैं फ्रंट की तो फ्रंट के अंदर ना आपको देखने मिलेगी इसके अंदर फॉग लैंप देखिए ये आपकी इनसाइड फॉग लैंप लगा दी गई जो कि दिख भी नहीं रही है और जब भी मैंने फ्रंट से वीडियो बना रहा था मुझे पता भी नहीं था ये तो बटन देखा तो मुझे याद आ गया ये हो गया इसके अंदर वाइट ये हो गया येलो वाइट येलो और इसे कहते हैं मिनी ड्राइव ये मिनी ड्राइव है जो कि आपकी इनसाइड फिट हो गई है इसे फिट करने के बाद आपको जो रात में ना ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि इजी टू राइड हो जाएगी आपकी क्योंकि रोशनी इसकी अच्छी खासी रोशनी है इसकी काफ़ी ज़्यादा विजिबल होता है इसके अंदर आपको नाइट के अंदर। और बटन की बात करें बटन इसका देख सकते हो इसका जो बटन है वो CNC वाला बटन है जो कि इसके अंदर हमने लगा दिया गया है। और उसके बाद बात करी जाए क्रैश गार्ड की तो देखिए ये क्रैश गार्ड है जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की क्रैश गार्ड है ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। क्रैश गार्ड लगाने से क्या होता है जब भी गाड़ी वैसे मैं नहीं चाहता इसका गिरे लेकिन इन केस गाड़ी गिरती है या कुछ भी होता है तो आपकी फुल बॉडी होती है प्रोटेक्ट फेयरिंग वाइजर एंड आपका खुद के लैक्स ये होते हैं इससे प्रोटेक्ट क्योंकि इसमें होते हैं ड्यूल स्लाइडर्स और इतना मजबूत ना गिरने के बाद पूरा सेफ कर देगा आपकी बाइक को भी इधर से भी सेम होगा आपका इस तरफ लुक चेकआउट कर लो किस तरीके से होती है सेफ्ट आपकी गाड़ी ये दोनों तरफ से सेफ हो जाती है और फ्रंट से भी एक बार लुक चेकआउट करो कैसा लुक इसका आता है लगने के बाद ही देखिए इस तरीके से इसका कुछ लुक आता है ऐसा नहीं कि लुक ख़राब होती लुक ख़राब भी नहीं होती और सेफ्टी होती पूरी तरीके से। और एक चीज़ और दिखाऊंगा इधर स्क्रीन गार्ड इसमें स्क्रीन गार्ड भी लगा दिए गए जिससे आपका जो डिस्प्ले है TFT है वो हो जाती है पूरी तरीके से सेफ। और उसके बाद बात करते हैं इसके साइड स्टैंड जैकेट जो कि इसके अंदर लगा दे स्टेनलेस स्टील वाला ये भी लगा देगा इसे लगाने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक तो ना आपका साइड स्टैंड घिसता नहीं है ख़राब नहीं होता और कहीं भी डस्ट हो मिट्टी हो कीचड़ हो आपकी बाइक फिसलेगी बिल्कुल भी नहीं तो ये करता है आपकी बाइक को स्टेबल खड़ा। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर ये इसका गियर शॉक्स जिससे आपका शूज़ होता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट और क्योंकि शूज़ वगैरह ना बहुत सौ महंगा होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है और राइडिंग करने वाला बंदा नहीं देखता कि मैं
मैंने कौन सा शूज़ पहना है, तो उसे क्या करता पूरा शूज़ होता आपका सेफ इसे छोटी सी चीज़ लगाने से। और बात करते हैं आप अभी तरह इधर आप देखने मिलेगा आपको, ये है इसकी बीफोर ब्रांडिंग वाला R15 बीफोर ब्रांडिंग वाला आपको मिल जाता है इसके अंदर एग्जॉस्ट कवर। इसे लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज बताया तो क्या होता है, एक तो जो नीचे इसके अंदर प्लास्टिक है लगी हुई है ना, जो उसके कवर लगा हुआ है वो सेफ हो जाता है, साथ में लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है क्योंकि बाइक ना बिल्कुल न्यू है और न्यू बाइक के अंदर लुक को काफ़ी ज़्यादा मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर लगा देगा। ब्लू कलर का ही इसके अंदर आपको मिल जाता है ये वाला कवर एग्जॉस्ट कवर। और उसके बाद ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको मिल जाता है इसके अंदर देख सकते हो ये है इसका शार्क फिन मरगार्ड जिसे हम कहते हैं रियर फेंडर मरगार्ड। और इसे लगाने से एक एडवांटेज बताऊँ जरा ये आगे देख रहो आगे है शॉकर और ये क्या करता है जितनी भी डस्ट होती है ना आगे से पीछे को जाने के लिए कंट्रोल पूरी तरीके से कर देता है क्योंकि ये नहीं लगा होगा तो डस्ट वगैरह अंदर जाना मैंडेटरी है जो जाती है और वो अंदर गई और अंदर जाने के काफ़ी जब जमा हो जाती है ना तो क्या होता है गड्ढे में जा जाकर इसका जो लीकेज पना है वो इसके अंदर आ जाता है और लीक होने का बाद कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा ये वाला सस्पेंशन डलता है। तो उसको सेव करने की छोटी सी चीज़ है और अच्छी भी लगेगी, लुक भी नहीं होगी, पता भी लग रहा है कि आपने कुछ लगवाया नहीं लगवाया। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ तो आपको देखने को मिलेगा इसका सीट कवर जो कि इसका लगा देगा इसके अंदर देख सकते हो डॉटेड वाला सीट कवर इसके अंदर लगा देगा। सीट कवर लगाने के साथ साथ ना कुशनिंग भी करी गई है, इससे क्या होगा काफ़ी कम्फर्ट हो जाएगी राइड इस बाइक को चलाने के अंदर। वैसे तो आपको पता है कि जिन जो लोग इसको यूज़ नहीं करते ना, इस बाइक को यूज़ नहीं करते हैं, मेरे ऐसा बंदा तो इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे तो खुद को हाथों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर आने के बाद ना शायद मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है, वैसे तो और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर हो सकती है हो जाती है। आपने मेरी वीडियो नहीं देखो देख लेना, चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है R15 के नाम से मैंने, आप जाओगे राजू भाई SKD चैनल के अंदर तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की ये बाइक है उनको फाइनली कैसा लगा। हेलो सर, थैंक यू भाई, कैसे हैं ये बताइए और कहाँ से हैं और फिर बताओ काम कैसा लगा। भाई साहब मैं फरीदाबाद से आया हूँ और एक्चुअली मुझे बड़ा डर था कि करोल बाग में मैं आऊँगा तो उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, गाड़ी ठीक होगी, सही से प्रोडक्ट कैसा होगा, रेट कैसा होगा, थोड़ा डर सा था। तो लेकिन वाकई में राजू भाई के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जेन्युइनली इतना अच्छा काम हुआ, टेंशन फ्री काम हुआ और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि यार इतनी ऑसम लुक आएगी गाड़ी की। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू राजू भैया और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई गाड़ी को डांसू बनाने के लिए। बस एक ही अल्टीमेट सोल्यूशन है राजू भैया के पास, बेफिक्र होके आओ, बिंदास आओ, आराम से अंदर बैठो, चाय पियो, गाड़ी आपकी प्रॉपर बन के मिलेगी। तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन भैया, थैंक यू सो मच सर। और हमारा कोई और व्यूअर आना चाहे तो क्या रिकमेंड? जरूर जरूर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रिसेंटली R15 ली है तो मैं 110% उनको रेकमेंड करूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और आपसे काम करवाएं। चलो जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आने के लिए। तो ये थे भैया इस बाइक के ओनर जिन्होंने अपनी बाइक का सारा काम करवाया। आपको भी कराना अपनी किसी बाइक के अंदर काम, चाहे स्कूटी के अंदर, सुपर बाइक, नॉर्मल बाइक, कैसी बाइक, कैसी भी स्कूटी, तो आप आ सकते हो आपके पीछे राजू भाई की शॉप पर जो कि मिलते हैं आपको दिल्ली के रोड नायवलन के अंदर। बाकी एड्रेस लोकेशन सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, गूगल के लोकेशन मत जाइए क्योंकि गूगल पे बहुत ज़्यादा फर्जी फ्रॉड है, तो उसको टेंशन मत लो, सीधा डिस्क्रिप्शन में एड्रेस निकालो और आ जाओ अपनी शॉप पर। और अगर नहीं मिलती वहाँ से लोकेशन तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7822171499115296, इसमें से किसी पर भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, लोकेशन मंगा सकते हो या किसी भी सामान की रिक्वायरमेंट हो तो कोई भी सामान भी मंगवा सकते हो, आपके घर तक डिलीवरी पहुंचा दी जाएगी, ये हमारी श्योरिटी है। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। राजू भाई SKD को जो मिलेगा यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पर भी। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मध्य, गुड बाय।